जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप लोग प्यारा सा एक कमेंट लिखिएगा जय श्री राम। और हम ही लोग केसरिया से 12 किलोमीटर पीछे हैं, जो कि रास्ता हम लोगों को सुनसान लग रहा था, तो हम लोग अंधेरा भी हो गया था, तो उतना चला नहीं पाते साइकिल। तो हम लोग बगल में हनुमान जी का मंदिर है, श्री राम जानकी मंदिर, राम लक्ष्मण सीता। तो चलिए आप लोगों को मंदिर दिखाते हैं और हम लोग कहाँ रुके थे वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। साइड में यहाँ पे नदी है और यहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज के जस्ट नीचे यहाँ पे मंदिर है और यहाँ के बाबा भी बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के लिए बिस्तर वहाँ जुगाड़ कर दिए हैं। जय श्री राम बाबा, आग पजारे हुए हैं, आग तापने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। हम लोग कहाँ ठहरे थे और इस तरफ से आएंगे, और इस तरफ भी चापाकल है नहाने के लिए, बहुत अच्छा जगह है। और इस तरफ देख सकते हैं हम लोग यहीं पे सोए थे रात में। ये रहा बैग वैग पूरे बिखरा हुआ है, और हम लोगों का साइकिल ये देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे ये रहा पूरा सामान। तो अब हम लोग यहाँ से पहले नहाएंगे और उसके बाद पूजा करेंगे, उसके बाद यहाँ से कुछ खा लेंगे निकाल के बैग से, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और बाबा जी हम लोगों के लिए चाय भी लाए थे सुबह सुबह, शाम में भी पिलाए थे, और शाम में नाश्ता भी खाना भी खिलाए थे, पूरी और सब्जी। तो बहुत अच्छा जगह है, बाबा भी बहुत अच्छे हैं, और जहाँ राम का नाम है वहाँ क्या अभाव है। तो चलिए जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा और चलते हैं फिर आगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक बने रहिए और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जय श्री राम, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आप लोगों को आगे आगे का अपडेट दिखाते रहेंगे। और यहाँ पे फिलहाल भी नेट नहीं काम कर रहा है, इस कारण से हम कोई पोस्ट नहीं कर पाए हैं, नहीं यूट्यूब, नहीं इंस्टा, नहीं फेसबुक। तो अभी दोस्तों हम लोग ब्रश कर रहे हैं, नवीन अपना शर्ट धो रहा है, ये भी नहाने के लिए तैयार है, हम ब्रश करेंगे, और हम भी तैयार हैं। यहाँ पे एक जैकेट पहने हुए हैं, बस इसको खोलना है, हम भी तैयार हैं नहाने के लिए। तो पहले ब्रश करते हैं, उसके बाद नहाते हैं। हम लोग नहा सुना के कपड़ा वपड़ा पहन के फाइनली तैयार हो चुके हैं, फाइनली तैयार हो गए दोस्तों। हम लोग का कम्बल उमल सब पैक हो गया, सब देख लो पैक हो गया है, सारा चीज। मेरा एक कम्बल है यहाँ पे बिछा हुआ, उसको अब समेटते हैं। तो चलिए पहले समेट लेते हैं, उससे मिलते हैं आप लोगों को। जय श्री राम, जय श्री राम, बोली हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, मेरे भाभी जी ने नमकीन बना के दिए हैं, अब ये आज खाएंगे हम लोग नमकीन और चूड़ा, और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। चलिए पहले हम लोग खाते हैं, और इसमें देखिए नवीन कुमार का लाए भखड़ गया झोरा में, झोरे में भखड़ के एकदम फिर चलाए बनाना पड़ेगा। मेरा फूट गया सारा बिस्किट, बिस्किट देखो ये आप देखो इधर दिखाई, बिस्कुट फूट गया पूरा। यही 5 रुपए वाला पार्ले जी बिस्कुट ले आए, गुड्डे है मेरी गोल्ड, मेरी गोल्ड है, और वो है हैप्पी हैप्पी। तो चलिए हम लोग हैप्पी हैप्पी होकर खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ चलेंगे। कर दिया ये लोग, नहीं बिस्कुट है यहाँ पे भाई, बहुत है, हमारे भाभी ने बैग भर के दिया भाई, देखो ना तो उठने से नहीं उठेगा, इतना मेरे भाभी ने डाल के दिए भर के एकदम से, भैया भाभी दोनों एकदम से बहुत सारा सामान दे दिए है। तो चलिए बने रहिए दोस्तों, और हम लोग खाते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। जय श्री राम। देख सकते हैं हम लोगों का नाश्ता, चूड़ा, पेड़ा, तिलकुट, लाई, नमकीन, इतना सारा खाएंगे, क्या मस्त है ना। तो बहुत भूख लग गया था, भूख नाश्ता कैसा लगा? एकदम फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास एकदम। अब हो जाएगा, अब हम लोग ये कर लेंगे ना, तो अब एकदम चलते रहेंगे आराम से, 50 किलोमीटर के बाद अब कुछ होगा। चलिए दोस्तों खाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से निकलते हैं, तो फिर आप लोगों को बनते हैं दिखा। जय श्री राम। हम लोग का सेटअप कंप्लीट, बैग वैग बांध लिए हैं साइकिल पे, और ये भाई साहब भी मिले हैं। कहाँ से हैं भाई आप? हम शिवहर से हैं, आज ही चले हैं। जी जी। कितना किलोमीटर चला लिए हैं साइकिल? 80 किलोमीटर तक चला चुके हैं। आप अकेले हैं? जी जी। तो चलिए अब हम लोग 7 हो गए, 3 से 4 हो गए हैं, और ये रहे बाबा जी, इन्हीं के आश्रम में हम रात में रुके हुए थे, और इनका बहुत मदद मिला, कृपा मिला, खाना भी बाबा दिए, खाने के लिए, रहने के लिए घर दिए, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ से अब चलते हैं, निकलते हैं, बाबा से विदा लेते हैं, और राम जी का नाम लेते हुए निकलते हैं यहाँ से। जय श्री राम। अभी हम लोग केसरिया गोलम्बर साहेब चौक पे खड़े हैं, और यहाँ से अब हम लोग उस तरफ से आए पीछे से, और यहाँ से राइट रास्ता लेंगे,
उसके बाद चलेंगे आगे। तो और तुम्हारा दो साथी आगे चला गया है, वापस आ रहा है, हम तक हम वेट कर रहे हैं, आने दीजिए। जय श्री राम दोस्तों, आज है हम लोगों का तीसरा दिन और फिर से तीन भाई चार भैया मिले हैं आगे, समस्तीपुर से हैं भैया, तो चलिए इन लोगों से मिलते हैं। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। और यहाँ पे बहुत सारे भाई मिल गए हैं। जय जय श्री राम। चाय है। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। कहाँ से पढ़ते हैं? ये दरभंगा जिला से। अच्छा, दरभंगा जिला। और आप लोग समस्तीपुर से हैं? हाँ, हम सब। कितना दिन से यात्रा कर रहे हैं आप लोग अभी? मधुबनी से। दसवां दिन है। दसवां दिन। महीना से भैया दरभंगा जिला। अच्छा, महीना दरभंगा। जी जी। कब अपने यात्रा कब स्टार्ट की है? यात्रा परसों की है स्टार्ट। परसों स्टार्ट? जी जी, आज तीसरा दिन है। पहुंच गए, ये देखो इनका चैनल है नंदन माही ब्लॉग। आज तीसरा दिन है। जय श्री राम। और यहाँ पे बहुत भाई लोग मिल चुके हैं यहाँ पे। और आप कहाँ से हैं? जय श्री राम। आप मुजफ्फरपुर से हैं? मुजफ्फरपुर से हैं। आप इन लोगों के साथ ही चले हैं या रास्ते में मिले हैं? रास्ते में मिले हैं। आप अकेले आ रहे थे? मैं मेरे भाई आई थी, तो मेरे भाई आज घर गया, पापा का एक्सीडेंट हो गया ना। ओहो, तो घर चला गया, मैं अकेले फिर जा रही थी इन लोग के साथ। अच्छा, और तीन लोग थे दरभंगा से, तो वो लोग पीछे छूट गए हैं। हाँ, वो लोग पैदल हैं। हाँ, वो लोग पीछे हैं, 35-40 किलोमीटर पीछे हैं। कौन कौन? पैदल? हाँ, पैदल यात्रा है। हाँ, तीन आदमी है, तीन जन। हाँ, तीन जन है, पैदल यात्रा है। पैदल यात्रा। हाँ, वो अभी 35-40 किलोमीटर हम लोग से पीछे थे जहाँ हम लोग स्टेज किए थे। और फोटो करते हैं। तो लोग निकले नहीं अभी? हाँ, निकल गए होंगे आई थिंक। कैसा स्पीड है? अरे 35-40 किलोमीटर है। एक दिन रहेगा, नहीं पकड़ेगा। एक दिन में 30 किलोमीटर चलता है। हम लोगों को लग रहा था आप लोग निकल गए हैं, आप लोगों का वीडियो हम रात में देखे थे, फिर आप लोगों को हम सोचे, आप लोग आपको कमेंट भी किए थे हम लोगों को, हम पीछे आ रहे हैं नवीन करके, उसमें कमेंट होगा नवीन राज करके, देखिए उसमें कमेंट होगा जो हम लोग पीछे से आ रहे हैं। किनको पाँव में लगा था चोट? आपको जख्म हुआ था पाँव में? इन भैया को पाँव में जख्म हो गया था, देख सकते हैं यहाँ पे। रात में दवाई लगा, रात में दवाई लगा, रात में पट्टी किए थे भाई का। इनका वीडियो देखे, इनका वीडियो देखिए। तो हम लोग अभी अभी आ चुके हैं, तो और यहाँ पे मिल चुके हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो और यहाँ पे हम लोग का तीसरा दिन है। आप लोगों का भैया कितना दिन है? दसवां दिन है आज। मैं चौथा दिन। आपका चौथा दिन है, इनका चौथा दिन है, इन लोगों का दसवां दिन है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलते जा रहे हैं, बहुत सारे दोस्त। तो चलिए एक वीडियो बना लेते हैं वहां से। तो चल रहे हैं भैया लोग। किलोमीटर नहीं देखे, थोड़ा रास्ता कठिन है। और भाई लोग यहाँ से चल रहे हैं, और भाई लोग का रास्ता थोड़ा कठिन है, क्योंकि भाई नंगे पाँव है, खाली पाँव है भैया, और दो जन इधर हैं, ये लोग पहने हैं जूता। तो चलिए मिलते हैं आगे। जय श्री राम। जय श्री राम। पंजाम से दरभंगा जिला। गाँव महिनाम। कितने लोग चले रहे? तीन लोग। एक दो तीन चार। इधर से है। अच्छा, सीवर से। अच्छा, सीवर से आप इसी में मिल गए? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से मिला दीजिए। चार आदमी दरभंगा सीवर। सीवर जी, जाने का टारगेट है? टारगेट हम लोगों का 20-21 तक पहुंच जाने का टारगेट है। 20-21 तक पहुंच जाने का टारगेट। 1 किलो कितना किलोमीटर दूरी तय कर ले रहे? 100 किलोमीटर का एवरेज है। एवरेज 100। पहला रोज हम थोड़ा ऐसे रुक गए, यहाँ पे पाँव दुख रहा था, घुटने चांस रुक गए थे, तो कल हम लगाए गर्म पट्टी यहाँ पे, और उसके बाद 98 किलोमीटर का चलाएँ। आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है, हम लोग अभी चले हैं, 10 बजे निकले हैं। लगभग जय जय श्री राम। चलिए दोस्तों, अब हम लोग फोर लाइन पे चढ़ेंगे, फिर से हम लोगों का टोली लेके चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अभी फोर लाइन के नीचे हैं, और कुछ ही देर में फोर लाइन के ऊपर चढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं हम लोग फोर लाइन के बहुत ही निकट हैं,
और फिर से चढ़ चुके हैं गोपालगंज वाले रास्ते में हमारी टीम। चलिए दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों। और हम लोग बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और तीन यात्री हैं पैदल यात्री जो कि हम लोगों को कुछ देर बाद आगे मिल गए हैं, तो चलिए उनसे भी मिलते हैं और उनसे भी कुछ मुलाकात करते हैं, बात करते हैं कहाँ से हैं और कितना दिन से पैदल आए हैं चल के। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे, जय श्री राम। और यहाँ पे हम आ चुके हैं और भाई से मिलते हैं और कुछ बात करते हैं। पंडोल पैदल यात्रा है भाई साहब। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भाइयों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग महिनाम से हैं, दरभंगा जिला से। दरभंगा जी जी। आप लोग कहाँ से आए हैं? आसाम से। साइकिल पकड़ जीत, इस साइड लाइट आएगा। अच्छा, कब तक पहुंचने का प्लान है भाई आप लोगों का? भाई से पहले हम भी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग आसाम से आ रहे हैं? हाँ, आसाम से। कितना दिन से आ रहे हैं पैदल चल के? पूरा एक महीना। ये देख सकते हैं भाई लोग का ये बैनर है, आसाम टू अयोध्या पैदल यात्रा। आप लोग कितना दिन अभी पैदल चले भाई? एक महीना हो गया। एक महीना हो गया, पूरा एक महीना, 30 दिन हो गया। कोई प्रॉब्लम रास्ता में आया हो? खाने पीने का कोई प्रॉब्लम? रहने का बहुत सुविधा मिला रास्ते में, बहुत मदद मिला। हर जगह रास्ता में सुविधा मिला, मदद मिला? हाँ, बहुत मिला। चलिए, और पाँव सब में कोई दिक्कत उकत? पहले था, पहले 5 दिन हुआ था, लेकिन बाकी 25 दिन कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं, राम जी की कृपा। कब तक पहुँचने का टारगेट लेके चले हैं? 22 तारीख से पहले, मतलब 21 तारीख को शाम को शायद पहुँच जाएंगे। 22 तारीख को शाम तक? 21 तारीख। 21 को कितना का टारगेट लेके चल रहे दिन में? दिन में अभी तो हमारा पूरा 60 जाना पड़ेगा, हर रोज। हर रोज 60? हर रोज टारगेट कंप्लीट हो जाता है आप लोगों का? नहीं, अभी तो अभी तक 60 नहीं हुआ, लेकिन आज से पूरा करेंगे। आज से अगर हम 60 करके चलेंगे तभी पहुँच जाएंगे, तभी दिन रात चलेंगे आज से। अभी तक आप लोग कितना कितना चल लेते दिन में? अभी तो हमारा अभी 45-50 ऐसे हो रहा है। 45-50, लेकिन आप टारगेट लेके चले 60 का? 60 करके जाएंगे तभी पहुँच पाएंगे हम। 60 जाना ही है हर रोज, जैसे भी करके। और तीनों जन एक ही जगह से? एक ही गांव से हैं हम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत भाई लोग मिल गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे भाई मिल गए हैं जो कि आसाम से पैदल यात्रा कर रहे हैं। एक महीना हो चुका है इन लोगों का पैदल यात्रा और एक दिन में ये लोग कम से कम 40-45 चलते आ रहे हैं। और इन लोगों का अब टारगेट हो चुका है 60 का, जो कि ये लोग बोल रहे हैं जो हम 22 तारीख तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोग भी चले हैं साइकिल से, हम लोगों का आज 3रा दिन है, तो सभी भाई लोग के साथ चलते जा रहे हैं हम भी। और प्रेम से सभी लोग बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम मंदिर पे मिलते हैं। और आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लास्ट तक, तभी तो मजा आएगा ना। लास्ट तक देखना जरूरी है वीडियो। हाँ, लास्ट तक देखेंगे तब तो समझ में आएगा। मंदिर को भी, मंदिर का व्यू मिलेगा रास्ते का साथ देखते देखते। भाई लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो प्लीज इन लोगों को बहुत 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 ज्यादा प्यार देना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों को पूरे मंदिर का व्यू दिखाएंगे और यहाँ पे कितना पब्लिक आएंगे वो भी दिखाएंगे। वीडियो मिस कीजिएगा तो कुछ नहीं समझ पाइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। 3रा रोज है और 2 जगह मिले हैं, कुछ समस्तीपुर से, मुजफ्फरपुर से और प्लस में आसाम से भी मिले हैं पैदल यात्री लोग। तो हम लोग अभी चल रहे हैं और आप लोग वीडियो ब्लॉग जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो अयोध्या तक का दिखाएंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लोग का मनोबल बढ़ता है। कमेंट में जय जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, भैया चाय के लिए रुके हैं। जय श्री राम भैया। तो हम लोग अभी यहाँ से चाय पियेंगे और उसके बाद चलेंगे यहाँ से, रुके हुए हैं। जय श्री राम दोस्तों, अभी हम लोग ब्रिज के ऊपर हैं, देख सकते हैं दोनों साइड नदी ही नदी है, कितना बड़ा नदी है देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। चलिए दोस्तों, भैया हम अपने सीट पे जाजिम लगाया है, भैया सीट पचक गया है, हाईवे पे हैं अभी रुके हुए। हम भी लगा लिए हैं और ये भी चीट ब्लॉक्स भी लगा लिया है जाजिम। चलिए आगे चलते हैं। जय श्री राम दोस्तों, अभी शाम के 5:30 बज चुका है और मेरा फ़ोन हो चुका था डिस्चार्ज, इसलिए
ब्लॉग नहीं शूट कर रहे थे और अभी एक जगह रुक के समोसा खाए और उसके बाद फ़ोन को चार्ज किए हैं और 5:30 बज चुका है अभी तक और हम लोग अभी तक 73 किलोमीटर पास कर दिए हैं, मतलब चला के आ चुके हैं यहाँ तक और 20-25 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का टारगेट है तो 25 किलोमीटर का टारगेट लिए हैं, फिर से उसके बाद स्टॉपेज किया जाएगा। चलिए तब तक बने रहिए और ब्लॉग लेट आने के लिए सॉरी, और कहीं के नेटवर्क का इशू हो जाता है और फ़ोन चार्ज का इशू हो जाता है इसी कारण से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए भाई को। जय श्री राम और बने रहिए। सब्जी दही और देखिए ये बुनिया मस्त है भाई, मजा आ गया। जय श्री राम, जय जय। और हम लोगों को यहाँ पे बिस्तर मिल चुका है, देख सकते हैं। और अब इसमें हम लोग अपना बेडशीट जारी बिछाएंगे, पहले बिस्तर लगाते हैं।